तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, जो कि आपकी यूनिट का बेसिकली फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है। ये प्लस वन में आपका आता है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो पहले तो हम बात करते हैं कि प्लांट किंगडम में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या। तो प्लांट किंगडम, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, RH विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें बेसिकली ये भी एक किंगडम है आपकी, जो कि प्लांट किंगडम है। ये अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो बेसिकली आपको पता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। और अगर ये प्लांट्स हैं तो बेसिकली ये कैसे होंगे, क्लोरोफिलस होंगे। बेसिकली इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो चलो, ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको पहले से पता होगा। आज हम सीधा टॉपिक पे आते हैं कि आज हमने इसमें पढ़ना क्या है। तो आपको पता है प्लांट किंगडम जो है बेसिकली डिवाइड की गई है आपकी सबसे पहले एल्गे में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके आते हैं इसके बाद ब्रायोफाइट्स। थर्ड वन आपके आते हैं टेरिडोफाइट्स, और फोर्थ वन में आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म, और फिफ्थ में आपके आते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो देखो, ये तो आपको जनरली पता ही है कि बेसिकली अगर हम इन ग्रुप्स के बारे में बात करें तो हम इसके क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आती है एल्गी, ठीक है। तो एल्गी के बारे में आपको कुछ बातें पता भी होंगी, हम ओनली एंड ओनली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से आते हैं एल्गी ग्रुप से, जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उनके बारे में ही ओनली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गी से। देखो, एल्गी की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्गी जो है वो बेसिकली कैसी है, क्लोरोफिलस है, ठीक है, क्लोरोफिलस है, ये हमें पता है। अगर क्लोरोफिलस है तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है क्या शो करती है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड अगर बारे में बात करता हूं तो आप बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। देखो बच्चे, अगर एल्गी के बारे में बात करें तो हैबिटेट को आपको पता है कि ये बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है। ये मे भी आपका फ्रेश वाटर हो सकती है, ये मे भी आपका जो मैरीन वाटर हैबिटेट में जो है वो रह सकती है। अगर और इसके बारे में बात की तो सेल वॉल, तो अगर आपको पता होगा कि प्लांट में सेल वॉल किसकी होती है, ये होती है हमारी सेल्युलोज की, ठीक है, सेल्युलोज की। बट देखो, अब इसमें जो हम करेंगे एल्गी की बेसिकली डिवीजन आगे करी हुई है, हमारे पास क्या आते हैं तीन टाइप की जो हम मेन एल्गी जो है वो बेसिकली पढ़ते हैं हम यहाँ से। तो अगर तीन टाइप की एल्गी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी, जिसको आपको पता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन एल्गी के बारे में, ग्रीन एल्गा। नेक्स्ट है आपकी फियोफाइसी बेसिकली कहा जाता है आपकी ब्राउन एल्गा। और थर्ड वन जो आपकी आती है वो हम पढ़ते हैं रोडोफाइसी, जिसको कहा जाता है रेड एल्गा। देखो, अगर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है तो आपको पता है कि इसके बारे में हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो तीन टाइप की रिप्रोडक्शन बेसिकली एल्गल ग्रुप में पाई जाती है, तो वो कॉमन है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में ओवरव्यू जैसा कर लेते हैं। तो आपको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आएगी, ठीक है, वेजिटेटिव। उसके बाद क्या आएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। और थर्ड वन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एल्गा ग्रुप जो है वो बेसिकली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन से होती है, आपको पता ही है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बनेंगे और वो बेसिकली नया जो है वो एल्गा जो है तैयार हो जाएगा। एसेक्सुअल जो है वो बेसिकली जो आपके जूस पोर्स होते हैं उनके द्वारा जो है वो आपकी एल्गी जो है वो बेसिकली क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। और थर्ड वन आपकी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। एक आपका आता है आइसोगैमी, ठीक है, एक आपका आता है एन आइसोगैमी, और थर्ड जो आपका आता है वो आता है ऊगैमस, ठीक है। ये बिल्कुल इजी टर्म्स हैं, अगर आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है। देखो, आइसोगैमी, गैमी का मतलब क्या है, गैमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। तो ऐसे टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपके गैमिट्स होंगे वो दिखने में मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सेम होंगे, बट आपका अगर बात की जाए फिजियोलॉजिकली तो वो थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं आइसोगैमी की,
तो एग्जाम्पल आप क्या आते हैं, देखो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है वो बेसिकली क्या है आपका, आइसोगैमी शो करता है, और जो सेकेंड है आपका यूलोथोरिक्स, यूलोथोरिक्स ठीक है, वो भी आपका क्या है, आइसोगैमी शो करता है। एन आइसो में क्या होगा, जो आपके गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे बेसिकली, ठीक है। और एन आइसो गैमी का बेसिकली एग्जाम्पल अगर ली जाए तो कुछ क्लेमाइडोमोनास की जो स्पीशीज हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, एन आइसोगैमी शो करती है। देखो ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है कि बेसिकली एन आइसो और आइसोगैमी जो है वो किस एल्गा ग्रुप में बेसिकली पाई जाती है, तो ये एग्जाम्पल आपका आता है क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास क्या है आपका कॉमन एग्जाम्पल है। अगर बात की जाती है ऊगैमस की, तो ऊगैमस में बच्चे याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, ऊगैमस में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो थोड़ी लार्जर साइज का होता है गैमेट, ठीक है, और ये होता है आपका नॉन मोटाइल, ठीक है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है, और जो मेल गैमेट होगा बेसिकली, ठीक है, जो मेल गैमेट है बेसिकली वो उसमें फ्लैजेला है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है वो बेसिकली कैसी होती है, जिसमें फीमेल जो है वो आपका फीमेल गैमेट वो नॉन मोटाइल है और वो लार्जर इन साइज होता है, और जो आपका मेल है वो कैसा होता है आपका मोटाइल होता है और छोटा होता है। अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात की जाए तो ये देखिए, ये जो रूडोफाइसी के मेंबर हैं बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगैमस मीन ही करते हैं, ठीक है। तो ये तो आज हमने ओनली एंड ओनली क्या बात की कि जनरल जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बात की, जो कल हमारा वीडियो आएगा वो बेसिकली आएगा क्लोरोफाइसी के करेक्टरिस्टिक्स, फियोफाइसी के करेक्टरिस्टिक्स और रूडोफाइसी के करेक्टरिस्टिक्स। देखो बच्चे ऐसा है कि हमारे चैनल पे कुछ टाइम से जो है वो बायोलॉजी के वीडियो नहीं बन रहे थे, ठीक है, मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट था, तो आज के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक जो है वो आपका चैप्टर वाइज जो है मैं स्टार्ट करूंगा आपके जो भी आपके चैप्टर्स हैं, और साथ में एक वीडियो जो है हमारा जो है वो बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स जो बुक है हमारी उसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।